Friends, today I shall discuss on the poem of Alexander Pope, an essay. It is mistake. An essay on man. जैसा कि मैं पिछले टीचिंग में पोप के इस कविता के तीन पैसेज का मैंने डिस्क्रिप्शन किया था, आज मैं चौथे स्टेंजा पर थोड़ा सा चर्चा करूंगा। आप लोग जो है ध्यान दीजिए, और जो इसमें इम्पॉर्टेंट लाइन्स होती हैं, इम्पॉर्टेंट जो वर्ड्स होते हैं, उसको आप नोट कर सकते हैं। वो आपको जो है थोड़ा सा जानने में सहायक होंगे, समझने में सहायक होंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि कवि जो है अलेक्जेंडर पोप है, उसने ईश्वर के और हमारे मतलब कि मनुष्यों या मानव के जो संबंध हैं, उसकी जो क्षमता है, उसका जो रेंज है, उसके बारे में इसमें बात कर रहा है। जैसा कि आपको बताया गया है, इट इज एन एपिस्टल, इट इज ए मॉरल एपिस्टल ऑफ अलेक्जेंडर पोप। यह एक धर्म मतलब नैतिक धर्म पत्र के रूप में यह कविता जो है मोट की गई है, अर्थात यह कविता एक फिलोसफिकल थाट है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये एक दार्शनिक विचारों को जो है संकलित की गई, मतलब दार्शनिक विचारों को पोप द्वारा संकलित की गई यह कविता है। इसमें कवि जो है अपने महत्वाकांक्षी विचार को, अपने दार्शनिक विचार को जो है दर्शाया है। तो हम आइए थोड़ा सा देखते हैं जो पोयम है उसकी लाइन को, उसकी पंक्तियाँ को मैं पढ़ रहा हूँ, आप उसको समझिए। बहुत सरल सी शब्दों में है, देखिए क्या क्या उसने लिखा है, और इसके बाद जो है मैं उसको समराइज करके उसके जो मीनिंग है उसको मैं सब्स्टिट्यूट करके उसको मैं आपको बता रहा हूँ। गो वंडरस, द फर्स्ट वर्ड इज गो वंडरस। क्रिएचर मस्ट वेयर माउंट वेयर साइंस गाइड। गो मेजर अर्थ वेट एयर एंड स्टेट द टाइड। Instruct the planets in what earth to run. Correct old time and regulate the sun. In what earth to run. मतलब यहाँ पर जो कवि है उसके कहने का जो भाव है वो कहना क्या चाहता है थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वो wondrous creature मतलब ये कहता है कि जो मनुष्य है वो ईश्वर की एक उत्कृष्ट रचना है, मतलब कि ईश्वर ने मनुष्य जो है मतलब ईश्वर ने मनुष्य को एक उत्कृष्ट मतलब वंडरफुल मतलब एक उत्कृष्ट रचना के रूप में, एक अच्छी मतलब कि उसका जो क्रिएशन है उसके अच्छी उत्कृष्ट रचना के रूप में मनुष्य को जो है बनाया गया है। मतलब कि मनुष्य जो है, या यह कहती है कि मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्ट रचना है। मनुष्य को जो ईश्वर ने बनाया था वो एक बहुत अपने आप में परिपक्व, अपने आप में इंटेलिजेंस मतलब कि बहुत ही उत्कृष्ट का मतलब होता है जिसका संपूर्ण विकास हो, चतुर्मुखी विकास हो जाए, उस प्रकार की रचना है। अर्थात हम लोग जो है संसार के सबसे बौद्धिष्ठ प्राणी मतलब कि सबसे बुद्धिमान प्राणी माने गए हैं, मतलब और जो जीव हैं। माउंट वेयर साइंस गाइड, अब थोड़ा सा जब उत्कृष्ट हम मतलब कि हम जब उत्कृष्ट रचना है मतलब कि मनुष्य जो है ईश्वर द्वारा बनाया गया एक उत्कृष्ट रचना है, तो उससे कवि जो है वो एक कुछ अपेक्षाएं करता है, उस अपेक्षाओं को बता रहा है क्या करा है। द पोएट आस्क मैन, तो इस प्रकार से वो अपेक्षित होकर के मतलब वो हमसे आपसे अपेक्षा करके वो क्या कर रहा है। गो वंडरस क्रिएचर मतलब ए वो अद्भुत प्राणी, अद्भुत जीव मतलब जाओ, कहाँ जाओ, क्या करो। माउंट वेयर साइंस गाइड, ये कहता है कि जाओ और मतलब कि तुम उस पर्वत की उस मतलब ऊंचाई को नापो जहाँ पर विज्ञान अपने गाइडलाइन को प्रदर्शित करता है। मतलब कि तुम जो है अपनी प्रतिभा को जितना ऊंचा उठा सकते हो उतने ऊंचा जो है उस प्रतिभा को उठाओ, उस प्रतिभा को ऊपर तक ले जाओ। कहने का तात्पर्य द पोएट आस्क मैन, जो कवि है वो मनुष्यों से पूछता है। द वंडरफुल क्रिएचर, वो उत्कृष्ट प्राणी मतलब तुम इतने अच्छे प्राणी हो, इतने तुम्हारे अच्छे ढंग से संरचना की गई है। गो हाई मतलब अपने अपने विचारों को, अपने मतलब जो आपके अंदर विचार है, जो आपके अंदर ज्ञान है, उसको कहाँ तक ले जाओ, उसकी ऊंचाइयाँ बढ़ाओ, मतलब उस श्रृंखला को बहुत ऊंचाई तक ले जाओ। एंड फाइंड आउट द लार्ज ऑफ साइंस, और उस माउंटेन तक जाओ, मतलब कि कभी थोड़ा सा
यहाँ पर अपने विचारों को जो है हमें आपको एक मार्गदर्शन के रूप में हमारे आपके विचारों को संकलित करके हमारे आपके विचारों की जो तारतम्यता है, जो संबंध है, जो हम आप ईश्वर के बारे में सोचते हैं उसको उसके बारे में वो थोड़ा सा वहाँ पर क्या कहते हैं वो उसको समझा रहा है कि हम क्या हम आपको ईश्वर के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए, हमारे अंदर जितनी प्रतिभाएं हैं उसका कैसे हम उपयोग करें, इसके बारे में अलेक्जेंडर पोप जो है हमको बता रहा है। द पोएट आस्क, कवि पूछता है, कहता है कि मैन द वंडरफुल क्रिएचर, वो संसार के सबसे उत्कृष्ट प्राणी मतलब मनुष्य हम आप, गो हाई मतलब जाओ अपने विचारों को, अपने वेग को, अपने विज्ञान को, अपने ज्ञान को ऊंचाई तक ले जाओ, एंड फाइंड आउट द लॉज ऑफ साइंस, और वहां तक जाओ जहां पर विज्ञान का नियम चलता है, मतलब विज्ञान जहां पर हमें आपको गाइड करता है वहां तक जाओ, फेयर द साइंस इज गिविंग गाइडलाइन, जहां पर विज्ञान जो है अपने गाइडलाइन को प्रदर्शित करता है। कहने का तात्पर्य है कि वो कभी इस पंक्तियों में हमें आपको हमारे आपके अंदर जो मतलब कि क्या कहते हैं कि ज्ञान है हमको, हम जिसको पहचानते नहीं हैं, मतलब हम जिस भ्रम में एक दूसरे से क्या कहते हैं कि ईर्ष्या या एक दूसरे से मतलब कि जलन या एक दूसरे से प्रेम नहीं रख पाते हैं, मतलब हमारे पास तो ज्ञान है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि हमारे आपके अंदर ज्ञान तो है, अभी पिछले स्टैंजा में उसने बताया कि हमारे आप अंदर ज्ञान तो है, लेकिन हम क्या करते हैं उस ज्ञान की तरफ जा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो क्या कहते हैं भ्रम है, हमारे अंदर जो अज्ञानता है, उसके कारण वो हमको रोकता रहता है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि द पोएट मीन्स टू से दैट वो गो वंडरस क्रिएचर, मतलब जाओ ए वो उत्कृष्ट प्राणी, तुम जाओ माउंट फेयर साइंस गाइड, मतलब कि तुम वहाँ पर वहाँ उस ऊंचाई तक पहुँचो जहाँ पर विज्ञान अपने नियम और कायदे कानून को, जहाँ पर विज्ञान अपने मतलब कि नियम को दर्शा रहा, अपने गाइडलाइन को दे रहा है, अपने मतलब कि क्या कहते हैं कि उसको पथ प्रदर्श मतलब मार्ग प्रशस्त कर रहा है, वहाँ पर तुम जाओ और क्या करो, गो मेजर अर्थ वेट एयर एंड स्टेट द टाइड इन द सेकेंड लाइन इन द थर्ड इन द सेकेंड लाइन वो क्या कहता है, गो मेजर अर्थ मतलब तुम जो भूतल है, जो धरातल है, जो धरती है, उसको भी क्या करो, उसको भी नाप लो। नापने का मतलब उसके भी सीमा क्षेत्रों को, उसके भी गहराइयों को, उसके भी गहराइयों में या उसके गहराई में जो रहस्य पड़े हुए हैं उस रहस्य को तुम जान जाओ। मतलब उसको नापने का मतलब देयर इज नो मेजरिंग, देयर इज इट मीन्स टू नो अबाउट थारोली, टू नो अबाउट थारोली द अर्थ, मतलब कि पृथ्वी के बारे में पूर्ण रूप से जान, वेट एयर मतलब उसके जो मतलब कि हवाएं हैं, मतलब वो जो उसके हवाओं को, मतलब वो धरती पर जो हवाएं हैं, मतलब जो हवा चलती है उसको क्या करो, उसको भी नाप लो, मतलब आकाश को भी नाप लो, एंड स्टेट द टाइड्स, और आगे क्या करो, वो कहता है कि तुम ज्वार भाटा को मतलब समुद्र को भी अपने आप में अपने विचारों से, अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से उसको उसकी भी सीमा को तय कर लो। इंस्ट्रक्ट द प्लैनेट इन व्हाट अर्थ टू रन, कहने का तात्पर्य है कि ही अगेन सेज दैट द पोएट मीन्स टू से दैट टू मेजर द अर्थ, मतलब पृथ्वी को नाप लो, पृथ्वी को आंक लो, नाप लो, मेजर मतलब होता है उसके मापदंड को जान जाओ, उसके पैमाने को जान जाओ, मेजर द हाई वेट मतलब कि आकाश के मापदंड को, आकाश की ऊंचाई को नाप लो, टू मेजर द टाइड ज्वार भाटा मतलब कि समुद्र को भी नाप लो, द पोएट चैलेंज मैन टू करेक्ट द ओल्ड टाइम, टू रेगुलेट द टाइम मतलब कहता है कि हमें आपको जो मतलब कि जाओ धरती हवा तथा ज्वार भाटाओं को नाप लो, और क्या करो, विशेष टू टीच द प्लैनेट नक्षत्रों को बताओ कि किस चक्र में वो नाचें, मतलब वो कहता है कि नक्षत्रों को तुम बता दो, प्लैनेट्स मीन्स होता है नक्षत्र, यहाँ तुम जाओ क्या करो, प्लैनेट मतलब कि नक्षत्रों को देखो, नक्षत्रों को नापो, उनको बताओ कि किस चक्र में वो चक्रण करें,
कवि के कहने का मतलब यह है कि तुम इतने बुद्धिमान हो जाओ क्योंकि तुम ईश्वर ने तुमको एक उत्कृष्ट एक बहुत ही लर्न्ड पर्सन बनाया है, मतलब एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में तुम्हारी रचना की है, बुद्धिमान प्राणी के रूप में तुम्हारी रचना की है। इसलिए जाओ द प्लेनेट्स इन व्हाट अर्थ टू रन, मतलब उनको किस प्रकार से उनको नाप चलना है, उनका चक्रण जिस प्रकार का उनको उनका चक्रण जो होना है, मतलब वो चक्कर जो काटेंगे, मतलब जो नक्षत्र हैं ग्रह नक्षत्र हैं आकाश में उनकी मतलब उनकी रचना को उनको वो कैसे चक्रण करेंगे इसके बारे में बताओ। मतलब आगे वो कहता है द पोएट चैलेंज मैन टू करेक्ट द ओल्ड टाइम, कहता है कि उनको भी तुम उनको भी नाप लो, किसको नापो, मतलब कि पुराने जो टाइम है पुराना जो समय है उसको क्या करो, उसको सही कर दो। पुराने टाइम का सही करने का मतलब है कि मतलब कि जो पुरानी पद्धति हैं जो प्रचलन से थोड़ा सा दूर हैं उनको क्या करो, सही करो। टू रेगुलेट द टाइम, समय को अपने मतलब अपने अधीन रखो, उनको रेगुलेट करने के बारे में सोचो। मतलब द पोएट अगेंस्ट टू से दैट, द पोएट अगेंस्ट सेज दैट गो एंड फेस टू ऑल दीज सर्कमस्टांसेज विच सर्कमस्टांसेज हैज बीन ओल्ड इन इटसेल्फ, मतलब वो परिस्थितियाँ द टाइम विच हैज बीन ओल्ड इन इटसेल्फ, मतलब वो समय जो अपने आप में पुराने हो चुके हैं, बहुत वो मतलब बहुत पुराने हो गए हैं, वो प्रचलन में नहीं हैं, उनको क्या करो, उनको रियलाइज करो, उनको थोड़ा जो है समय के अनुसार उनको कर दो, ये तुम्हारा काम है क्योंकि तुम संसार के उत्कृष्ट रचना वाले हो। फर्दर सेइंग द पोएट मीन्स टू से दैट, या कवि जो है आगे बताता है हमसे आपसे अपेक्षा करता है क्योंकि मनुष्य को उसने बताया कि संसार का सबसे उत्कृष्ट प्राणी है, मतलब मनुष्य जो है ईश्वर द्वारा बनाया गया संसार का सबसे उत्कृष्ट प्राणी है, इसलिए ईश्वर या जो कवि है वो उससे अपेक्षा करता, हमसे आपसे अपेक्षा करता है। अगर हम आप उत्कृष्ट प्राणी न होते, उत्कृष्ट रचना हमारी आपकी न होती, हमको आपको ईश्वर उत्कृष्ट रचना न मानता तो हमसे अपेक्षा न करता। वो हमेशा इस बात पर जोर देता है कि हमें आपको मनुष्य के बारे में, हमें आपको अपनी प्रगति के बारे में, हमें आपको मानवता के बारे में सोचना चाहिए। वी थिंक अबाउट ओनली ह्यूमैनिटी, द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन एंड द बैलेंस ऑफ ह्यूमन एंड द मेजरिंग अबाउट द क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन, मतलब कि हमें आपको अपने गुण, अपने मतलब क्या कहते हैं क्षेत्र, अपने नेचर, अपने कैरेक्टर इत्यादि के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे और आपके बीच मतलब ईश्वर और मनुष्यों के बीच की जो कड़ी है वो बहुत छोटी सी कड़ी है जिससे हम आप ईश्वर को जानते हैं, और ईश्वर के बारे में पर्याप्त जानना हमारे बस की बात नहीं है, ऐसा एलेक्जेंडर पोप मानता है। वो आगे क्या कर रहा है आपको सलाह देता है, ही अगेन सेज दैट, जैसा कि मैंने आपको बताया टू मेजर द अर्थ, अर्थ का मतलब कि ये बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, मतलब अर्थ को जानने का मतलब होता है कि ये जो मतलब बहुत बड़ा जो धरती की जो बहुत बड़ी एरिया है उसको जानो। ओनली डू नॉट नो अबाउट द मीनिंग ऑफ अर्थ, ओनली ट्राई टू नो, मतलब कि ट्राई टू नो अबाउट द एरिया ऑफ अर्थ, अबाउट द डिपनेस ऑफ अर्थ, अबाउट द अदर मिस्टीरियस पॉइंट ऑफ द अर्थ, मतलब कि और जो रहस्यमय गूढ़ जो बातें हैं इस धरती में उसको जानने की कोशिश करो। मेजर द वेट एयर, हवा के पैमानों को नापो, हवा के पैमाने को नापने का मतलब यह है कि हवा को जानो, मतलब ये तुम्हारे बस की चीज है, इसको तुम आसानी से जान सकते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर ये प्रतिभाएं हैं। ज्ञान के अंदर ज्ञान की प्रतिभा तो है, सत्य को जानने की प्रतिभा तो है, लेकिन आप करते क्या हो उसको फिजूल खर्ची में, मतलब कि बिना उद्देश्य के अपना दिमाग, बिना उद्देश्य के अपना टाइम वेस्ट करते हो। इसलिए जो है तुम्हारा जो कर्तव्य है, तुम्हारा कर्तव्य है मानव मानवता को जानो, मतलब तुम मानवता के बारे में जानो, मानवता के गुण अवगुणों के बारे में जानो, ईश्वर के बारे में चिंता मत करो। कवि के कहने का मतलब होता है कि इस योग्यता से संपन्न होकर के तुम धरती आकाश पताल को नाप सकते हो, मतलब यू कैन एबल, मतलब तुम योग्य हो सकते हो। यू हैव एबिलिटी टू नो टू मेजर द अर्थ द एयर एंड द टाइड एंड द ओशन एंड द सी,
द पोएट चैलेंज मैन टू करेक्ट द ओल्ड टाइम, और वो क्या कहता है, यदि तुम्हारे अंदर ये प्रतिभाएं जागृत हो गई हैं, तुम्हारे अंदर ये प्रतिभा आ गई है, तो करेक्ट करेक्ट द ओल्ड टाइम, मतलब पुराने पद्धति पर, पुराने संस्कृति पर, पुराने सभ्यताओं पर जो लोग चल रहे हैं उनको नए ढंग से, मतलब उनमें नए सृजन भर दो, ताकि वो नए पद्धति के अनुसार चलना सीखने, नए पद्धति के अनुसार व्यवहार करना और सभ्यताओं को सीखें। टू रेगुलेट द टाइम, मतलब कि समय को नियंत्रित कर लो, समय के हिसाब से चलो, मतलब कहने का तात्पर्य यह है। टू रेगुलेट द टाइम, मतलब इन समयों को, मतलब कि ये जो चीज़ें हैं जो समय के अनुसार चल रही हैं इनके अनुसार भी तुम चलना सीखो। इफ़ ही कैन इन विच सर्किल दे हैव टू मूव, द पोएट चैलेंज मैन टू करेक्ट ओल्ड टाइम। ही कैन इन विच सर्किल दे हैव टू मूव, मतलब कि जिसे जिस सर्किल से, जिस चक्र से तुमको चलना चाहिए, जिस सर्किल में तुमको चलना चाहिए उसके अनुसार से चलो। और क्या करो, रीच हरीडली फेयर, ये कहते हैं द पोएट, मतलब करेक्ट ओल्ड टाइम, मतलब कि जो पुराने विचारधारा है, जो पुराने समय हैं, ठीक है, उनके अनुसार, मतलब उन पुराने समय को जो है सही कर दो। और क्या करो, रेगुलेट द सन, मतलब कि सूर्य, मतलब कि सूर्य में जो नक्षत्र हैं, मतलब सूर्य का जो टाइम है उसको क्या है, सही कर दो, उसको टाइम, उसको जो है रेगुलेट कर दो, मतलब कि नियमित कर दो। सूर्य के समय को नियमित करने का मतलब सारे ग्रहों को, सूर्य के मतलब आकाश के ग्रह नक्षत्र तारों को जानो, उनको आइडेंटिफाई करो, उनके गुण अवगुण को समझो, उनके क्या कहते हैं कि उनसे उनके द्वारा होने वाले लाभ और हानि को समझो। और क्या करो, वहाँ तुम जल्दी से पहुँचो, रीच हरीडली कहाँ, फेयर द फर्स्ट गुड, मतलब कि जहाँ पर प्रथम, जहाँ पर अच्छाई पहले प्रथमतया जहाँ पर पहुँचती है, जहाँ पर अच्छाई पहले पहुँचती है वहाँ पहुँचो, जहाँ पर पूर्णता पहले पहुँचती है यहाँ पर अच्छाई, गुड का मतलब होता है अच्छाई, इसका मतलब होता है पूर्णता, जहाँ पर पूर्णता हो वहाँ पहुँचो, जहाँ पर सुंदरता हो वहाँ पहुँचो। मतलब ये कहता है द पोएट क्या कहते हैं अलेक्जेंडर पोप सेज दैट We should reach there. Where the first good is consisting, where the perfection is perfect. मतलब कि जहाँ पर पूर्णता, मतलब कि पूर्णता का ज्ञान हो, जहाँ पर पूर्णता हो वहाँ पर पहुँचो। Where the fairness consisting, मतलब कि जहाँ पर जहाँ पर सुंदरता जो है पहले पहुंचती हो, या जहां पर पहली सुंदरता हो वहां पर पहुंचो। अकॉर्डिंग टू द पोएट बी इम्पेरल स्पेयर्स, मतलब कि आग का तेज गोला बनो, आग का तेज गोला का मतलब कि प्लेटो के साथ, जैसे जो एक दार्शनिक है प्लेटो, जैसा कि दार्शनिक कविता है यहां पर प्लेटो का नाम आया है, कि जिस प्रकार से प्लेटो जो था बहुत साहसी था, मतलब वो आग के गोलों से खेलने का साहस रखता था, उसी के लिए यहाँ पर कहा गया है कि बी इम्पेरियल स्पेयर, मतलब उस आग के गोले की भांति बनो, जो आग का गोला प्लेटो के साथ चलना, मतलब कि प्लेटो के साथ चलना, जैसे प्लेटो अपने जीवन को जो है चलाया, आग के गोले से सामना करने का साहस किया, इसी प्रकार से तुम भी आग के गोले के समान प्लेटो के साथ चलना सीखो। द फोर्थ स्टेंजा हैज बीन एंड, द फोर्थ स्टेंजा हैज बीन फिनिश्ड, सो वी सेल इन द नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस द नेक्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। हम आपको पांचवें स्टेंजा पर ले चलते हैं, और आप जो है इसमें जो है मेजर पॉइंट, मतलब कि द मीनिंगफुल पॉइंट्स विच हैज बीन रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, यू कैन नोट अबाउट द वर्ड्स आर द मीनिंग विच आर गिवन एज बी इम्पेरल स्टेयर्स, मीन्स आग का गोला बनो, प्लेटो के साथ चलने का तात्पर्य। और यहाँ पर लिखा है टू मेजर द अर्थ, मतलब कि अर्थ मतलब कि पृथ्वी को नापो, पृथ्वी को जानो, टू मेजर द वेट एयर, मतलब कि आकाश की जो हवाएं हैं उसको तुम मेजर करो, टू मेजर द टाइड, मतलब कि ज्वार भाटाओं पर साथ समुद्र के पैमाने को सीखो। इस प्रकार से हमने जो है ये चौथे स्टेंजा का जो वो एक्सप्लेनेशन था उसको मैंने कंप्लीट किया। हम आपको ले चलते हैं पाँचवें स्टेंजा में। इन द नेक्स्ट स्टेंजा डिस्कसिंग फर्दर, पांचवें स्टेंजा में कवि जो है कविता के अंतिम चरण में कवि जो है अपनी अंतिम सलाह मनुष्यों को देना चाहता है, मनुष्य से अपेक्षा करता है, मनुष्य को वह कहता है, मनुष्य को बताता है क्या।
मैन फर्दर टू ट्रेवर्स द विंडिंग वेज विच हैड बीन ट्रेवल्ड अपॉन बाय हिज फॉलोअर। कवि आगे बताते हुए हमसे आपसे अपेक्षा करते हुए यह कहता है कि मनुष्य को टेढ़े मेढ़े रास्ते पर, कठिन रास्ते पर चलना सीखना चाहिए। वह रास्ता जिस पर उसके अनुयायी चले हों, मतलब उसके फॉलोअर्स जिसको फॉलो किए हैं, ऐसे रास्ते पर हमें आपको चलना चाहिए। अंतिम चरण में कविता का अंतिम चरण चल रहा है। कविता का अंतिम उद्देश्य, कविता में अंतिम मतलब कि उपदेश हमें आपको एलेक्जेंडर पोप द्वारा बताया जाता है, हमें आपको सलाह दी जाती है, उस पर जो है कवि जो है विचार करते हुए हमारे आपको हम हमें आपको जो है अंतिम चरण में उपदेश देना चाहता है। मैन फर्दर टू ट्रेवर्स द विंडिंग वेज विच हैड बीन ट्रेवल्ड अपॉन बाय हिज फॉलोअर्स। वह कहता है कि हमें फर्दर ट्रेवर्स मतलब कुछ टेढ़ी मेढ़े यात्राओं पर, टेढ़ी मेढ़े रास्ते पर हमें आपको चलना चाहिए, जिस पर हमारे नाई चले हैं, जिस पर हमारे फॉलोअर्स पहले जो है ट्रेवल्ड कर चुके हैं, मतलब चल चुके हैं, उस पर चलना चाहिए। बाय एवांडरिंग द सेंस ऑफ इमिटेशन, पुरानी पद्धति को, यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जो पुराने विचारधारा थे, जो पुरानी पद्धति थी, मतलब कि उस ईश्वर के उस प्रवृत्ति का परित्याग कर दें, मतलब कि जो प्रचलन में न हो। बाय एवांडरिंग द सेंस ऑफ इमिटेटिंग गॉड इज द प्रिस्ट ऑफ द ईस्ट डू बाई मूविंग इन मैजी सर्कल्स। मतलब ये कहते हैं कि सूर्य की नकल मारते हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते पर पुजारी लोग चलते हैं। ये कहता है कि सूर्य गॉड इज द प्रिस्ट ऑफ, मतलब कि गॉड इज द प्रिस्ट, मतलब कि सूर्य के टेढ़े मेढ़े रास्ते पर पुजारी लोग चलते हैं, अर्थात सूर्य का जो कठिन रास्ता है, दुर्लभ जो रास्ता है, मतलब उसकी नकल मारते हुए, सूर्य की नकल मारते हुए, जिस प्रकार से सूर्य के मतलब कि अनुयायी बनकर के, भक्त बनकर के, सूर्य को एक ईश्वर को एक क्या कहते हैं गुरु मान करके, उस जो साधु सन्यासी लोग हैं उसके बताए हुए, उसकी नकल मार करके टेढ़े मेढ़े मतलब दुर्लभ मार्गों पर चलने की आदत डालते हैं, वो मतलब वैसे ही चलना, मतलब उस पर चल करके वो कुछ सीखना चाहते हैं। मतलब ये कहा गया कि जो ईश्वर है वो बहुत बड़ी शक्ति है, ईश्वर बहुत बड़ी चीज़ है, उस पर कौन लोग चलते हैं, उस पर जो है साधु सन्यासी लोग, पुजारी लोग चलते हैं, और क्या कहते हैं हमें उन पुराने विचारधाराओं को, पुराने मार्गों को परित्याग कर देना चाहिए। एंड टर्न देयर हेड टू इमिटेट द सन, और आगे चल करके मतलब वो अपने आप में, मतलब वो क्या कहते हैं कि एंड टर्न देयर हेड, मतलब कि अपने आप को उसके सामने आमुख कर दें, मतलब देयर हेड टू इमिटेट द सन, मतलब कि जो सूर्य के टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, मतलब कि सूर्य के प्रति, मतलब वो उस अनंत ज्ञान में जाने की सलाह देता है, मतलब अनंत ज्ञान के रास्ते पर चलने की सलाह देता है। कहाँ पर, जहाँ पर मतलब कि ब्रह्मांड का एक मतलब संबंध है, मतलब कि ये कहने का तात्पर्य है कि एंड टर्न देयर हेड, मतलब अपने आप को उसकी तरफ मतलब कि ईश्वर की तरफ आमुख होने की बात करता है। इमिटेट द सन मतलब ये कहता है कि हमें आपको ईश्वर के उस अनंत ज्ञान को, मतलब वो आगे सलाह ये देता है कि हमें आपको उसके रास्ते पर चलते हुए, मतलब उन साधुओं पुजारियों के रास्ते पर चलते हुए, पुजारियों के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, जैसा कि वो सत्मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। ही एडवाइजेस टू टीच इटर्नल विजडम, वो उस मार्ग पर हमें आपको क्यों चलना चाहिए ये बताते हैं। क्या बताते हैं, ही एडवाइजेस टू टीच इटर्नल विजडम, हमें ताकि वी एडवाइजेस टू टीच, मतलब कि ही एडवाइजेस टू टीच, वह सलाह देता है किसको, टू टीच आंतरिक ज्ञान को जानने की सलाह देता है। एज टू हाउ टू रूल, मतलब कि इस प्रकार से, जिस प्रकार से वह अनंत ज्ञान सिखाए और अपने आप में डूब जाए, मतलब हमें आपको कौन सी सलाह देता है कि हमें आपको आंतरिक ज्ञान हो जाए और उस आंतरिक ज्ञान में हम डूब जाए, डूब जाए का मतलब पूर्ण ज्ञान हो जाए, और इसके बाद पूर्ण ज्ञान हो जाए। एंड ऑब्जर्व इन टू हिमसेल्फ एंड देन ऑब्जर्व
इंटू हिमसेल्फ, और तब हम आप अपने को परखें। कहने का मतलब, द पोएट मीन्स टू से दैट ही एडवाइजेड टू टीच इटर्नल विजडम, वह हमें आपको आंतरिक ज्ञान को सीखने की सलाह देता है। एज हाउ टू रूल, मतलब इस प्रकार से जिस पर आंतरिक ज्ञान का मतलब कि वह ज्ञान जिसको हम सीखें और जिसको सीखते सीखते उसी में डूब जाएं, अर्थात हमको ये रियलाइज हो जाए, हमको ये आभास हो जाए कि हम क्या हैं, मतलब अपने आप को ऑब्जर्व कर लें, अपने आप को जांचें, अपने आप को पहचानने की क्षमता हमारे अंदर हो जाए। एंड रियलाइज ही इज मैन मैन ऑफ ही इज ए मैन ही इज ए मास ऑफ इग्नोरेंस, और तब हमको जब यह ज्ञान हमें आपको हो जाएगा, तब शायद हम आपको अपने आप को ये पहचानेंगे या अपने आप में हमको ये ज्ञान हो जाएगा कि हम जो है गलतियों के अंधकारों के एक पुलिंदे हैं, अंधकारों का एक मास, मतलब एक वो क्या कहते हैं कि बहुत बड़ी भीड़ है, मतलब अंधकार मेरे सामने है, हम अंधकार में डूबे हुए हैं, मतलब ये हमको अज्ञानता का आभास हो जाए। दैट ही इज मास ऑफ इग्नोरेंस, हम कितने बड़े अज्ञानी हैं ताकि इसका हमको ज्ञान हो जाए। कहने का तात्पर्य है, कभी ये कहना चाहता है कि हमें टेढ़े मेढ़े रास्तों पर, जिस प्रकार के रास्तों पर सूर्य के अनुयायी, ईश्वर के अनुयायी चलते हैं, अर्थात साधु संत लोग चलते हैं, हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। साधु संतों का, जिस तरह से साधु संत टेढ़े मेढ़े रास्ते पर सूर्य की नकल मारते हुए, जैसे सूर्य जो है वो हर जगह, मतलब सूर्य हर जगह व्याप्त है, उसको किसी प्रकार से अंधकार, किसी प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, दूर का रास्ता, ये कुछ नहीं, वो क्या है, वो मतलब कि सर्व जगह व्याप्त है, पूरे जगह व्याप्त है। तो इसी प्रकार से साधु लोग जो होते हैं, पुजारी लोग जो होते हैं, सूर्य की नकल मारते हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलते हैं, हमें उन्हीं की भांति चलना चाहिए। और ईश्वर की उस प्रवृत्ति को, मतलब कि ईश्वर से हमारा डायरेक्ट लिंक है, मतलब देखे यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि ये गार्ड हो गया और ये पृष्ठ हो गए और ये हम आप हो गए। ये कहता है कि हमको इनका अनुसरण करना चाहिए, न कि हमको डायरेक्ट इनका अनुसरण करना चाहिए। कवि के कहने का तात्पर्य है कि हमें आपको किसका अनुसरण करना चाहिए, ये जो पृष्ठ हैं, पुजारी हैं, ये इनका अनुसरण करते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलने की सोचते हैं, चलते भी हैं, तो हमें इनका अनुसरण करना चाहिए। मतलब हमारा इनसे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। जो ईश्वर का कॉन्सेप्ट है हमारे आपके बीच में, ईश्वर के बीच में, वो एक छोटी सी कड़ी है और उस छोटी से हिस्से हैं हम आप। ईश्वर को थोड़ा सा केवल जानते हैं, जिसका मतलब है कि उससे हमारा डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। हमें उनके अनुयायी जो होते हैं, उनके फॉलोअर्स कौन हैं, पृष्ठ लोग हैं, उन पृष्ठ का जो है हमको अनुसरण करना चाहिए। वी फॉलो द वर्क ऑफ द पृष्ठ, नॉट टू द वर्क ऑफ गॉड। वाई देयर इज ए टाइनी रिलेशन बिटवीन द गॉड एंड द मैन, इट इज नॉट सफिशियंट रिलेशन अबाउट गॉड एंड द मैन। सो वी शुड ओनली फॉलो द पथ ऑफ, वी शुड ओनली फॉलो द वे ऑफ पृष्ठ, नॉट टू द गॉड। मतलब हमें ईश्वर का अनुसरण नहीं बल्कि किसका अनुसरण करना चाहिए। वी शुड गिव अप, मतलब हमको परित्याग करना कर देना चाहिए। वी शुड एबॉन्डन, हमको परित्याग कर देना चाहिए। कौन सा, द इमिटेशन, अर्थात द रूल विच हैज बीन वेरी ओल्ड, विच इज नॉट इन ट्रेडिशन टूडे। सो वी शुड एबॉन्डन सच काइंड ऑफ रूल्स, सच काइंड ऑफ सिस्टम विच इज नॉट इन यूज, मतलब कि जो प्रयोग में ना हो, ऐसी चीजों को हमको त्यागना चाहिए, ऐसा अलेक्जेंडर पोप हमको बताता है। एंड वी शुड नॉट करेक्ट, वी शुड नॉट डायरेक्टली थिंक अबाउट द गॉड, वनली वी शुड वनली फॉलो द रूल्स ऑफ द प्रिस्ट। दे आर द फॉलोअर्स ऑफ गॉड, नॉट दे आर द पीपल ऑफ गॉड, बट दे आर ओनली फॉलोइंग, दे आर नॉट गाइड टू द गॉड। मतलब कि वो ईश्वर को मार्गदर्शन नहीं बताते हैं, उनके चलते हुए मार्ग पर, उनके टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलना सीखते हैं, और हमें इन पृष्ठ, मतलब जो पुजारी लोग हैं, इनको जो है जानना चाहिए, इनके बारे में हमको इनका अनुसरण करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, एडवाइजेड टू टीच इटर्नल विजडम, हमको आंतरिक ज्ञान के बारे में
मतलब जो मुझसे मुझे जो है मतलब हम लोगों को मतलब मनुष्य को आंतरिक ज्ञान को सीखना चाहिए और उस ज्ञान को इस प्रकार से सीखें कि क्या करें एज टू हाउ टू रूल, उसका किस प्रकार से अनुसरण होना चाहिए, उसका किस प्रकार से शासन है, उसका किस प्रकार से यूज है, ऐसे लोगों के बारे में मतलब इस प्रकार की विचारधारा हमारे आपके अंदर हो और हमको उसी में डूब जाना चाहिए। वी शुड टोटली इंट्रोड्यूस, वी शुड डीपली इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ इनटू इट, इनटू दैट नॉलेज, इंटरनल नॉलेज, एंड देन ऑब्जर्व इनटू हिमसेल्फ इफ वी हैव गॉटन, इफ ही हैज गॉटन द इटर्नल विजडम, इटर्नल नॉलेज, इटर्नल फैक्ट। सो दिस इज द सिस्टम और दिस इज ए प्रोसीजर टू ऑब्जर्व अबाउट हिमसेल्फ, तब आपको जाकर के एक प्रकार के पद्धति मिलेगी जिससे आप अपने को परखेंगे। एंड रियलाइज व्हेन वी शुड रियलाइज वी शुड नो अबाउट द बैड सिस्टम, अबाउट द ओल्ड सिस्टम, ही इज मार्क ऑफ इग्नोरेंट, देन ही विल रीच देयर वेयर मनली इग्नोरेंट पर्सन, वेयर मनली मिस्टेक्स एटमॉस्फेयर, तब हमें आपको ये आभास होगा कि हम कहाँ पर पहुँचे हैं, जहाँ पर हम पूर्ण रूप से गलतियों से घिरे हुए हैं, हमको हम अज्ञानता के शिकार हुए हैं। ट्रसन एपिस्टल मतलब जो धर्म पत्र है, नैतिक धर्म पत्र जो लिखा गया है, ये जो धर्म संदेश है, धर्म पत्र या उसका जो संदेश है उस पर मैं चर्चा करता हूँ। जैसा कि अलेक्जेंडर पोप ने फोर एपिस्टल की जो है मतलब की रचना की है, फोर एपिस्टल्स ने लिखा है, तो इसमें जो कंसंट्रेट ऑन मैन हिमसेल्फ, मतलब इसने दूसरे तीसरे पर लिखा है मैन इन सोसाइटी, मतलब कि जो व्यक्ति है उसकी क्या स्थिति है समाज में, मैन इन सोसाइटी। एंड फोर्थ इज मतलब मनुष्य अपने आप में क्या है, यहाँ यही हम आपने पढ़ा है मनुष्य अपने आप में क्या है। क्या है जैसा कि मैन इन सोसाइटी, एंड फोर्थ मैन एंड हिज हैप्पीनेस, चौथा क्या है मैन एंड हिज हैप्पीनेस, मैन एंड हिज हैप्पीनेस, मतलब कि व्यक्ति और उसकी प्रसन्नता, मैन इन सोसाइटी, द वैल्यू ऑफ मैन इन सोसाइटी, जैसा कि आप ये देखते हैं कि जो इसने नैतिक धर्मपत्र की जो रचना की है, इसको मॉरल इपिस्टिल कहा जाता है, मतलब कि नैतिक धर्मपत्र, मतलब ये जो इपिस्टिल इसने लिखा है अलेक्जेंडर पोप, थोड़ा सा हम उस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि अभी आपको मैंने एक फार्मूला मैंने बताया कि उसमें जो लास्ट पैसेज था, लास्ट जो मतलब जो अंतिम विचार था, अंतिम जो पंक्तियों में मतलब कि कविता के अंतिम चरण में पोप ने ये बताया कि जो गॉड है उसके फॉलोअर्स, प्रिस्ट को उसने बताया, पुजारियों को बताया कि उसके वो फॉलोअर्स हैं, मतलब कि इनका जो संबंध है या इनका संबंध है, इनका ईश्वर से संबंध है, वो संबंध का मतलब कि दे आर एज फॉलोअर ऑफ द गॉड, मतलब वो एक प्रकार से उसके अनुसरण करने वाले हैं, अनुयायी हैं, और हमको जो ईश्वर के द्वारा या ईश्वर के टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलने का इन्होंने अनुसरण किया, मतलब जो लोग प्रेस्ट थे उन्होंने अनुसरण किया चलने का, तो हमें जो सन्यासी लोग हैं, जो पुजारी लोग हैं, उनके द्वारा मतलब उनका अनुसरण करना चाहिए, मतलब हमको केवल यहीं तक हमारा दायरा है, मतलब हम यहीं तक रहना चाहिए। क्योंकि देखिए अभी इसमें जो हमने सेकंड एपिस्टल पढ़ा उसकी यही सोच, मतलब जो सेकंड एपिस्टल इसमें जो आपने जो अध्ययन किया एन एसे ऑन मैन, मतलब इसमें चार एपिस्टल लिखे गए हैं, एपिस्टल का मतलब होता है ये चार एपिस्टल लिखे गए हैं, जैसा कि 1, 2, 3, 4, और मैंने इस दूसरे एपिस्टल का अध्ययन इसमें किया, मैंने दूसरे एपिस्टल का इसमें डिस्कशन किया है, मतलब ये इसमें देखिए टॉपिक मैंने लिखा है, आप देख भी सकते हो कि जो अलेक्जेंडर पोप ने चार प्रकार के
चिंतन, चार प्रकार के विचारों को जो संकलित किया है वो एपिस्टल का मतलब होता है। जैसा मैंने शुरू में बताया कि जो लेटर मोड में जो कविताएं लिखी जाती हैं, पत्र जैसी, मतलब एक प्रकार से ये पत्र लिखा है, इसने अपने मित्र को एक पत्र लिखा है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया ना कि इसका एक मित्र था, उसी को इसने एक पत्र लिखा है, मतलब उसके विचार को देख करके, मतलब उसके विचार को, उसके भैंस, उसको भाषा, उसकी भाषा शैली को देख करके, उसकी सोच देख करके उसने अपने मित्र को पत्र लिखा, उसी का नाम इपिस्टल पड़ा। मतलब इपिस्टल का मोड होता है कि जो लेटर मोड में जो कविताएं लिखी जाती हैं, पत्र के रूप में जो कविताएं लिखी जाती हैं, उसको इपिस्टल कहा जाता है। इस प्रकार एलेक्जेंडर पोप ने चार इपिस्टल, चार लेटर हमें आपको लिखा है, मतलब हमें आपका मतलब उसके मित्र को, उसके मित्र का मतलब कि ही एड्रेसेज अस, मतलब वो हमें आपको ही एड्रेस करता है, हमें आपको संदेश देता है, हमें आपको ही संबोधित करता है। तो जैसा कि पहला जो एपिस्टल है उसमें क्या है, मैंस रिलेशनशिप विद द यूनिवर्स, इसमें स्पष्ट है क्या कि ब्रह्मांड का मनुष्य से क्या संबंध है, इसमें बताया होगा। जैसा कि मनुष्य अपने आप में क्या है, इसमें भी थोड़ा सा वो विचार आया है कि ईश्वर से मनुष्य क्या संबंध है, ईश्वर का क्या स्तर है, मनुष्य क्या स्तर है, अभी आपने बताया, क्या कहते हैं, एलेक्जेंडर पोप ने बताया है, उसने क्या बताया है, द मैन शुड थिंक ओनली मैन काइंड ऑफ मैन, या द वर्क ऑफ मैन इज मैन काइंड ऑफ, मतलब मैन, मतलब कि मानवता के विषय में व्यक्ति को सोचने का ही एक, मतलब उसका एक ऐसी सोच होनी चाहिए, क्या उसकी जो सोच की परिधि होनी चाहिए वो मानवता के बारे में सोचे, वो अपने आप के बारे में सोचे, वो अपने आप को जस्टिफाई करे, वो अपने आप के मतलब इमोशन, फीलिंग, वर्क, ड्यूटी, जो भी चीज़ें हैं वो अपने आप के बारे में सोचे, उसकी उसका यही दायरा है। तो इसमें कहा गया है ना, कंसंट्रेट ऑन मैन हिमसेल्फ, मतलब मनुष्य अपने आप में क्या है, मनुष्य की स्थिति अपने क्या आप में क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मनुष्य की स्थिति अपने आप में यही है कि वो डायरेक्ट गॉड के बारे में न सोचे, वो ईश्वर से मतलब अपना रिलेशन, ईश्वर से अपना संबंध न प्रकट करे कि मैं जो है ईश्वरवादी हूँ, ईश्वर से हमारा संबंध है, ईश्वर का ये विचार है, ईश्वर गलत है, ईश्वर सही है, ईश्वर की न्याय सही नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में हमको नहीं सोचे। हमारी आपकी सोच वहाँ है ये नहीं, क्योंकि वो बताता है, बार बार कहता है कि ईश्वर से और मनुष्यों की छोटी सी कड़ी है जो मनुष्य को ईश्वर के बारे में जानकारी प्रदान करती है, एक बहुत छोटी सी कड़ी है, ऐसा नहीं कि मनुष्य जो है बहुत जानकारी रखता है ईश्वर के बारे में। सो इन द थर्ड इपिस्टल ऑफ एलेक्जेंडर पोप मैन इज सोसाइटी, मतलब अब यहाँ यहाँ जैसे थर्ड इपिस्टल में हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं, इसका डिटेल डिस्कस तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे आपके पाठ्यक्रम में है नहीं, हमारे पाठ्यक्रम में केवल इपिस्टल सेकेंड है। तो जब इपिस्टल सेकेंड है तो इपिस्टल सेकेंड की बात जो है हमें आपको चर्चा करना चाहिए, थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं कि मैन इज सोसाइटी, मैन इन सोसाइटी मैंने वैल्यू ऑफ मैन इन सोसाइटी, मतलब कि व्यक्ति का समाज में क्या महत्व है, इस पर उसने चर्चा किया है। मतलब हमको लगता है कि द आल इशूज, आल क्रिएशन, आल क्या कहते हैं कि थॉट्स ऑफ मैन विच आर रिलेटेड टू द सोसाइटी, टू द गॉड, टू द हैप्पीनेस आर टू द लाइफ टचेज, मतलब कि जो मतलब जीवन से संबंधित, प्रसन्नता से संबंधित, समाज से संबंधित और व्यक्ति का मनुष्य से संबंधित जो भी सोच है सबको उसने संकलित किया है। तो तीसरे में हमने देखा कि मैन इन सोसाइटी, वैल्यू ऑफ मैन इन सोसाइटी, और चौथे में क्या, मैन एंड हिज हैप्पीनेस, मतलब व्यक्ति और उसकी प्रसन्नता कहाँ पर निहित होती है, इसका वर्णन उसने चौथे इपिस्टल में किया है। इस प्रकार से क्या कहते हैं कि एलेक्जेंडर पोप ने चार इपिस्टल की रचना की है, चार पत्र हमको लिखा है, हमें आपको उसने लिखा है। क्योंकि देखिए थोड़ा सा इसमें है क्या, जैसे यहाँ देखिए बताया गया कि जो व्यक्ति है उसका संबंध यहीं तक है, यहाँ तक नहीं, हीज मास ऑफ इग्नोरेंस, अंतिम वो बताता है कि हम आप जो है अज्ञानता से भरे हुए हैं, माने अज्ञानता हमारे आपके चारों तरफ है, अज्ञानता हमें आपको क्या की है, घिरी हुई है, अर्थात अज्ञानता के हम आप शिकार हो गए हैं, चारों तरफ से हमारे पास अज्ञानता है, अज्ञानता है। अच्छा एक चीज और थी, जैसे जो एलेक्जेंडर पोप ने लिखा है वो फीचर ऑफ अगस्टन एज इन इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य में अगस्टन जो एज आया, अगस्टन जो युग आया उसमें मानवता के अध्ययन के लिए मानव का अध्ययन ही सर्वोपरि है, ऐसा उसने बताया। मतलब सेकेंड इपिस्टल में उसने बताया कि मानवता, मानव का अध्ययन ही, मानवता के अध्ययन के लिए, मानवता के अध्ययन के लिए मानव ही सर्वोपरि है, मानवता के अध्ययन के लिए
अध्ययन के लिए मानव ही सर्वोपरि है। उसने ये बताया थोड़ा सा, मतलब ये बताया, ये फीचर ऑफ द अगस्टन एज, ये अगस्टन एज की बात है। अगस्टन एज में ये खोज की गई, अगस्टन एज में ये बात आई इंग्लिश लिटरेचर में, मतलब कि जो अंग्रेजी साहित्य था, तो अगस्टन एज में ये बात सामने आती है। अगस्टन एज में जो लिटरेरी मतलब कि जो लेटर राइटर्स थे, जो एसे राइटर्स थे, पोएम्स राइटर्स थे, उन लोगों ने एक कॉन्सेप्ट ले आया। वो कॉन्सेप्ट क्या कि उन्होंने ये खोजा, इस बिंदु पर पहुँचे कि मतलब कि जो मानवता का अध्ययन, मतलब कि मानवता के अध्ययन के लिए मानव ही सर्वोपरि है। मतलब वो अपने आप में जाने, अपने आप को पहचाने, अपने आप की खोज करे, वो वही कर सकता है। मतलब वो ईश्वर की खोज करने के लिए सर्वोपरि नहीं है। ऐसा जो है इस सेकेंड इपिस्टल में, मतलब कि सेकेंड इपिस्टल की थॉट है कि मानवता के अध्ययन के लिए मानव ही सर्वोपरि है। तो इस प्रकार से हमने जो है सेकेंड इपिस्टल के जो डिस्क्रिप्शन किया, सेकेंड इपिस्टल का जो मैंने नाम लिया है, उसमें मतलब हमें आपको इसी के काबिल बताया गया। अलेक्जेंडर पोप ने हमारी आपकी काबिलियत को क्या माना, उसने कहा कि हम अपने आप में अध्ययन करें, यही मेरा गुण है। तो इस प्रकार से ये अंतिम कविता का अंतिम चरण जो है वो समाप्त होता है। हम इसमें थोड़ा सा जो क्वेश्चन हैं, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टडी फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन, मतलब आने वाली परीक्षाओं के लिए जो ज़्यादा उपयोगी हैं, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उन पर चर्चा करते हैं। आप उन क्वेश्चंस को लिख सकते हो, हम कोशिश करेंगे उनके उत्तर भी शॉर्ट व्यू में मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आप डिटेल अपने मन से कर सकते हो। तो आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच आर रिलेटेड, विच आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट। तो मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस पार्ट से रिलेटेड मैंने तैयार किया है, मतलब बनाया है, उसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो। और ऐसे मैं उसकी जो है थोड़ा सा शॉर्ट में उसके आंसर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिसको अलेक्जेंडर पोप ने जो है मतलब अपनी कविता में अलेक्जेंडर पोप से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जैसे इसमें पहला है कि व्हाट इज द थीम ऑफ इपिस्टल सेकंड। जैसा कि अभी आपने बताया, मैंने अभी चर्चा किया कि जो सेकंड इपिस्टल है उसकी थीम क्या है। मतलब मैंने छोटे छोटे शॉर्ट करके चारों इपिस्टल के, मैंने जैसे पहले इपिस्टल का जो संबंध है वो इनवर्स थे से, मतलब कि मनुष्य का जो संबंध ब्रह्मांड से, उस पर चर्चा हुई है। दूसरे इपिस्टल का मतलब मनुष्य अपने आप में क्या है। तीसरे इपिस्टल में मैंने बताया कि जो है मनुष्य का जो है सोसाइटी में क्या वैल्यू है, और चौथे में उसकी प्रसन्नता के बारे में चर्चा किया मैंने। तो पहला जो है व्हाट इज द थीम ऑफ इपिस्टल सेकंड, तो यहाँ उत्तर होगा कि द रिलेशन, मतलब कि मैन इज एबल, आर ये कह सके कि मानवता का अध्ययन, मानवता के अध्ययन के लिए मैन जो है, व्यक्ति जो है सर्वोपरि है। तो आप ये कह सकते हैं कि कंसंट्रेट्स ऑन मैन हिमसेल्फ, मतलब कि जो मनुष्य अपने आप में क्या है, इसका यही थीम हो सकता है, कंसंट्रेट ऑन मैन हिमसेल्फ। तो इसका उत्तर ऐसे शॉर्ट में आप लिख सकते हो, कंसंट्रेट ऑन मैन हिमसेल्फ। इस प्रकार से इसके जो पहला उत्तर होगा, मतलब कि मनुष्य अपने आप में क्या है, इसका मनुष्य अपने आप में क्या है, मतलब ये इसका जो पहला कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ इपिस्टल सेकंड। तो इपिस्टल सेकंड का जो कॉन्सेप्ट है यही है कि मनुष्य अपने आप में क्या है, कंसंट्रेट ऑन मैन हिमसेल्फ। मतलब आप इसका उत्तर लिख सकते हो, इन द सेकंड फेन वाज अलेक्जेंडर पोप बार्न, ऐसा पूछा जाता है, ऐसा प्रश्न है कि अलेक्जेंडर पोप कब जन्म लिया था, मतलब उसके उसका जन्म कब हुआ था। तो आप लिख सकते हैं आंसर सेकंड में, मतलब दूसरा जो होगा, ही वाज बार्न 1688, मतलब ही वाज बार्न इन 1688, मतलब 1688 ईस्वी में उसका जन्म हुआ था। इस प्रकार से आप दूसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा ये होगा, मतलब और इसके पिता का क्या नाम है, फेन वाज अलेक्जेंडर पोप बार्न, इसका हो गया। अब इसमें आता है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ
हिज फादर, मतलब उसके पिताजी का क्या नाम है। इस प्रकार से आप इन प्रश्न के उत्तर जो हैं, इस प्रश्न के उत्तर मतलब कि दूसरे का, ही वॉज बॉर्न इन 1688 एंड उसके पिता का क्या नाम है, तो इसके पिता पिताजी का नाम था सीनियर, मतलब अलेक्जेंडर पोप सीनियर, मतलब द नेम ऑफ हिज फादर, ऐसे आप लिख सकते हो द नेम ऑफ हिज फादर, फादर वाज अलेक्जेंडर पोप सीनियर। अब ऐसे वहाँ मतलब ये ईसाइयों के यहाँ पद्धति होगी ऐसे नाम का, अलेक्जेंडर पोप सीनियर, मतलब अलेक्जेंडर पोप सीनियर उनके पिता का नाम था। इस प्रकार से आप आते हैं चौथे प्रश्न पर आप पहुँचते हैं, तो है व्हाट डज इपिस्टल फार मींस, हाँ द, अब चौथे प्रश्न का उत्तर होगा कि मतलब कि व्हाट डज इपिस्टल फार मींस, मतलब इपिस्टल फार्म का तात्पर्य क्या होता है, मतलब इपिस्टल फार्म किसको कहते हैं, तो इसमें है द पोयम व्हिच इज रिटेन इन द फार्म ऑफ लेटर, इन द मूड ऑफ लेटर, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि द पोयम इज रिटेन, आप लिख सकते हो इट इज रिटेन इन द फार्म ऑफ लेटर, मतलब कि लेटर के रूप में जो कविताएं लिखी जाती हैं, जैसे लेटर लिखा जाता है उसके फार्म में जो कविताएं लिखी जाती हैं उसको इपिस्टल बोला जाता है अलेक्जेंडर पोप के अनुसार। तो इस प्रकार से मतलब कि जो प्रश्न है उसका उत्तर मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप उसको जो है डिटेल करके लिख सकते हो। मतलब इस प्रकार से ये उत्तर आया उसका कि जो इपिस्टल फार्म क्या कहते हैं, मतलब अभी आपसे जो प्रश्न हुआ कि इपिस्टल फार्म क्या है, तो आप बता सकते हो कि इपिस्टल फार्म जो लेटर रूप में लिखे जाते हैं। हु आज हेनरी सेंट बोलिंगब्रोक, मतलब ये पूछा जा रहा है, यहाँ पर एक नाम आया है, ये नाम जो है सर्च करके मैंने बताया है आपको, लिखा है मतलब बुक में नहीं दिया है, तो हु आज हेनरी सेंट बोलिंगब्रोक, मतलब ये हेनरी सेंट बोलिंगब्रोक कौन है। तो इसमें सर्च करने के बाद ये मिला कि जो ये पिस्टल फार में जो पोएम लिखी गई है, मतलब कि कविता को जो एड्रेस किया गया है इसी को एड्रेस किया गया है, मतलब अलेक्जेंडर पोप ने अपने, ये इसका मित्र है, मतलब इसमें लिख सकते हैं आप हेनरी सेंट बोलिंगब्रोक, ब्रोक वाज पोप्स फ्रेंड, आप लिख सकते हो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन हु वाज हेनरी सेंट बोलिंगब्रोक, मतलब ये सेंट हेनरी सेंट बोलिंगब्रोक जो था वो पोप का मित्र है, इसी को एड्रेस की गई है कविता इसी को एड्रेस की गई है। व्हेन वाज दिस पोयम रिटेन, अब ये पूछा जाता है कि ये कविता कब से कब तक, मतलब कब लिखी गई, मतलब कब पब्लिश हुई, कब लिखी गई, तो इसमें आंसर आता है, आप इसको नोट कर सकते हैं कि ये 1733 रिटेन एंड 1734 में पब्लिश हुई है। तो इस प्रकार से आप दो डेट आता है, मतलब दो डेट का मतलब कि ऐसे आप जब देखेंगे तो ऐसे मिलता है ये, तो उसमें जब आप उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहेंगे तो उसमें है 1733 में रिटेन हुई है और 1734 में पब्लिश हुई है, ठीक है। तो अगर आप कहीं आंसर इसका लिखोगे कि व्हेन वाज द पोएम पब्लिश्ड, व्हेन वाज द पोएम रिटेन, यदि आप रिटेन की बात करते हैं कि लिखी कब गई, तो आप 1733 की बात को, कॉन्सेप्ट को आप लिखेंगे, और पब्लिश एंड रिटेन की बात करता है अगर प्रश्न, ऐसे आता है कि पब्लिश कब हुई है और रिटेन कब हुई है, मतलब तो आप दोनों लिखेंगे 1733 टू 1734। इस प्रकार से आप आ जाइए सातवां प्रश्न इसमें जो मैंने लिखा है, व्हेन डिड पोप डाई, मतलब ये मरा कब, अलेक्जेंडर पोप कब मरा, तो उसका उत्तर आता है कि अलेक्जेंडर पोप ही डाइड इन 1744, आप नोट कर लो माय डियर स्टूडेंट, यू कैन राइट अबाउट द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर पोप, इट इज द डेथ टाइम ऑफ अलेक्जेंडर पोप। तो आप इस प्रकार से अलेक्जेंडर पोप के इस मतलब रिलेटेड इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हो, ये उसके बर्थ है और इसकी डेट।
तो ये इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद आप आते हैं आठवें क्वेश्चन का है, हिज आर हिज चीफ वर्क। अब वो पूछता है कि उसके जो मुख्य कार्य थे, उसमें जो कविता को, ओट को, या जो चीज़ें उसने लिखा, तो उसके मुख्य वर्क क्या हैं। अभी हम इसको लास्ट में इस कविता को जो है हम आपका इस उत्तर को हम आपको यहाँ लिख देते हैं, आप नोट कर सकते हो। जैसे उसमें लिखा है कि हम आपको बोल देते हैं, आप लिख लीजिए, पेस्टोरल्स है, विंडोसार फॉरेस्ट है, मेसियन है, एशियन क्रिटिसिज्म है, द रेप ऑफ द लॉक है, एलजी टू एन अनफॉर्चुनेट लेडी है, और डेंसियड है, सेटायर्स एंड एपिस्टल्स है। मतलब ये उसके चीफ वर्क्स में हो गए। मतलब उसके चीफ वर्क्स में मैंने जो बताया कि पेस्टोरल है, और क्या कहते हैं कि विंडसार ऑफ फॉरेस्ट मतलब नाम की एक कविता लिखा है, डेंसियड लिखा, डेंसियड उसका ज़्यादा प्रचलित है, और इस प्रकार से उसके चीफ वर्क ये हो गए। अब आप पहुँचेंगे नवा जो क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ पोयम द रेप ऑफ लॉक, मतलब ये रेप ऑफ लॉक नाम की जो कविता है ये किस मूड में लिखी गई है। मतलब ये जो रेप ऑफ लॉक है ये क्या कहते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ पोयम द रेप ऑफ लॉक, मतलब रेप ऑफ लॉक जो नाम की कविता लिखा है उसमें उसका क्या मतलब वो है, मतलब उसका क्या इशू है। तो रेप ऑफ लॉक जो है ये क्या कहते हैं कि ग्रेटेस्ट सेटेरिकल पोएट है, मतलब कि जो ये जो है ये ग्रेटेस्ट सेटेरिकल पोएट, ये ग्रेटेस्ट मतलब सेटेरिकल पोएम है, मतलब ये व्यंगात्मक कविता के रूप में लिखा गया है। ये मतलब कि नवे का क्वेश्चन का होगा, इट इज द ग्रेटेस्ट, आप नोट कर सकते हो, ग्रेटेस्ट सेटेरिकल पोएम है, महान व्यंग्यात्मक कविता है, सेटेरिकल पोएम है। अब आते हैं व्हाट वाज द नेम ऑफ पॉप्स मदर। अब एक प्रश्न आता है यहाँ पर कि मदर, पोप के मदर का क्या नाम था। जैसा कि आपको मैंने अभी उसके चीफ वर्क के बारे में बताया, तो उसके चीफ वर्क जो हैं ये हैं, आप नोट कर सकते हैं, मतलब उसमें पेस्टोरल है, मतलब वो गडेरिया वाला गीत है जो चरवाहा वाला, विंडोसार फॉरेस्ट है, और मेसियन है, एशियन क्रिटिसिज्म है, द रेप ऑफ लॉक है, एलिजी एंड अनफॉर्चुनेट लेडी, डंसियड है, सेटायर एंड एपिस्टल्स है। ये उसके चीफ वर्क्स हैं, मतलब वो चीफ वर्क ऑफ अलेक्जेंडर पोप। अब हमने आपको ये ग्रेटेस्ट सेटायरिकल के बारे में बताया कि रेप ऑफ द लॉक जो है वो किस प्रकार की कविता है, तो वो कैसी कविता है, ग्रेटेस्ट सेटायरिकल कविता है। अब हम आते हैं अगला जो प्रश्न है, व्हाट वाज द नेम ऑफ पोप्स मदर, एडिथ पोप, उसके माता का जो नाम था वो दसवें, द नेम ऑफ हिज मदर वाज एडिथ पोप। ये आप नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब उसकी माता का क्या नाम है। उसकी माता का नाम है एडिथ पोप। डियर स्टूडेंट्स, यू कैन नोट अबाउट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एडिथ पोप। और आप अंतिम क्वेश्चन जो मैंने लिखा है इसमें वो है व्हाट वाज हिज फादर, मतलब ये प्रश्न है कि उसके पिताजी क्या थे, मतलब वो उसके पिताजी का व्यवसाय क्या था, कैसे थे। तो उसको आता है कि लीनेस मर्चेंट, हिज फादर वाज लीनेस मैन, हिज फादर वाज लीनेस मर्चेंट, मतलब ये कह लीजिए कि उसके पिताजी एक जो है सूती वस्त्र कपड़ा व्यापारी थे। मतलब उसमें आता है सूती वस्त्र बजाज कहा जाता है, तो उनके पिताजी सूती वस्त्र बजाज, मतलब सूती
कपड़े के व्यापारी थे बजाज से। तो इस प्रकार से जो उसके पिताजी थे वो सूती वस्त्रों के बजाज मतलब कि व्यापारी कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो आपका मतलब अलेक्जेंडर पोप का जो एपिस्टल है, सेकंड एपिस्टल का जो मतलब कि अंतिम चरण था, उसको आपने उसके एक्सप्लेनेशन को, उसके डिस्कशन को आपने जाना, और जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट थे मैंने उसको आपको बताया। तो अब हम आपको ले चलते हैं कि बहुत अच्छे ही पोएट हैं जिनका नाम है थॉमस ग्रे, जिन्होंने कविता लिखी है एन एलजी रिटेनिंग कंट्री चार। तो जो स्टूडेंट्स, आई मीन टू से दैट द पोएम और द एपिस्टल सेकेंड ऑफ अलेक्जेंडर पोप हैज बीन टुडे फिनिश्ड एंड आई शैल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, आई शैल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास अबाउट थॉमस ग्रे। मैं अब आपको जो है अगली कविता में मतलब अगली कविता जो है वो बहुत अच्छे राइटर पोएट हैं जिनका नाम है थॉमस ग्रे। इन्होंने बहुत ही मार्मिक कविता का 100 गीत का जो है वो किया है, वर्णन किया है, मैं उस पर चर्चा करता हूँ। तो इस प्रकार से ये हमारा जो एपिस्टल सेकंड था मतलब अलेक्जेंडर पोप की जो कविता थी एन एज एसे ऑन मैन, वो इस प्रकार से समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच।